हाय गाइस, सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं हमारे और भी बढ़ेंगे। आप सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो में मैं आपको एक छोटा सा पॉडकास्ट शेयर करूंगा, उम्मीद करता हूं आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। लेट्स स्टार्ट। आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 12 साल की है। और कौन से स्टैंडर्ड में अभी पढ़ाई कर रहे हैं? हम 7th में पढ़ते हैं। 7th में पढ़ते हैं। और कौन कौन सा सब्जेक्ट है आपका पढ़ाई? आप मेरा मैथ, इंग्लिश, संस्कृत, विज्ञान, आपको सबसे अच्छा मतलब कौन सा सब्जेक्ट में आप अच्छी तरीके से पढ़ सकते हो, मतलब बहुत इंटरेस्ट है? मैथ में थोड़ा इंटरेस्ट ज्यादा है मैथ में ना। और कौन से? और बस मैथ में है थोड़ा। 7th का जो मैथ है वो पूरा लगा लेते हो? मतलब नहीं, कम लगाते। पहले 6 में थे तो हम लगाते थे अच्छे से। और आपको क्या लगता है आप अपनी पढ़ाई कब तक रखना चाहते हैं, कब तक करना चाहते हैं? जब तक मैं पढ़ना चाहूँ उतना तक पढ़ सकता हूँ। पढ़ सकता हूँ। सही, अच्छी सोच है आपकी, बहुत अच्छी है। और मेरा एक क्वेश्चन था कि आप फ्यूचर में मतलब कि आप पढ़ाई पूरा करने के बाद जॉब करना पसंद करेंगे या बिजनेस करना पसंद करेंगे? कौन सा जॉब आपको मतलब पसंदीदा है, आपका पसंदीदा जॉब कौन सा? पायलट आपका पसंदीदा? पायलट बनना चाहता हूँ। पायलट बनना चाहता हूँ। हाँ, पायलट के लिए आपको सब्जेक्ट पता है, आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और इंग्लिश स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए आपका, ठीक है? और आपने अभी तक कहाँ कहाँ गए हैं, मतलब कहीं ट्रेवल्स किए हैं? हाँ, ट्रेवल्स किए हैं। मुंबई गए हैं। मुंबई और गोवा गए थे। ओडाला गए थे। ओडाला मुंबई में ही पड़ता है? हाँ, हॉस्पिटल के सामने। अच्छा, केम हॉस्पिटल? परेल हॉस्पिटल, परेल स्टेशन से उतरने के बाद केम हॉस्पिटल जाया जाता है ना, आप वहाँ गए हैं, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन मेरा था कि आप अपनी फैमिली मतलब अपने पेरेंट्स के लिए, माता पिता के लिए क्या करना चाहेंगे फ्यूचर में? हम फ्यूचर में अपने माता पिता का नाम रोशन करना चाहते हैं। एक क्वेश्चन और है, क्या आपको पढ़ाई करने में मजा आता है, मतलब इंटरेस्ट है आपका पढ़ाई करने में? पढ़ाई करने में बहुत इंटरेस्ट है। उधर जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, मन लगाते। कोचिंग भी करते हैं आप? कोचिंग भी करते हैं। इस समय लॉकडाउन लग गया है, स्कूल और कोचिंग बंद हो गया है, पढ़ाई को बहुत मिस करते हैं। तो आपका स्कूल यहाँ से, आपके घर से आपका स्कूल कितनी दूरी पे है? होगी कम से कम 4-5 किलोमीटर दूर। 4-5 किलोमीटर दूर, काफी ज्यादा दूरी तो है नहीं? नहीं। फिर कैसे जाते हैं आप? पैदल जाते हैं। हमारे चाचा लोग काम पे चले जाते हैं, इसलिए पैदल जाते हैं। एक बात बताइएगा आप मुझे, ये दुकान जो है इसका मतलब इसको कौन देखता है, मतलब कौन मैनेज करता है? मैं देखता हूँ और मेरे पापा देखते हैं। पापा कब कहीं काम पे चल जाते हैं संभालने, तो मैं उस समय देखता, पढ़ाई भी करता। इस समय स्कूल बंद है तो कोचिंग भी करता, पढ़ाई भी करता, दुकान भी देखता हूँ। कोचिंग भी करते हैं? कौन सा कोचिंग करते हैं? मैथ का? क्या मैथ का? इंग्लिश का। मैथ और इंग्लिश। आपकी इंग्लिश भी थोड़ा वीक है, लेकिन थोड़ा।